नमस्कार फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी अभी मैं सिलाई करके हटी हूँ, वो भी ब्लाउज़ की। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैं ब्लाउज़ की कटिंग की थी, तो आज मैं उसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग की हूँ। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा लेट मैंने स्टिचिंग किया पर आज मैंने कर दिया। इसी वजह से मैंने इसी वक्त ये वीडियो डालने की कोशिश की कि मैं इसी वक्त आप लोग तक पहुँचाऊँ। वैसे भी बहुत लेट हो चुका था। तो ये वो ब्लाउज़ है जिसको हमने तैयार कर लिया है, और ये सिंपल ब्लाउज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी। और कि मतलब इस मैंने दो पार्ट में इसकी वीडियो डाली थी, एक कटिंग की एक स्टिचिंग की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। इसी वजह से मैंने ये आज सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये पसंद आएगा, आप लोग देखना ज़रूर। और जिन लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी थी वो लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं लिंक वहाँ पे दे दूँगी आप लोगों को। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग। और बात ये है कि अभी मैंने इस ब्लाउज़ में तरपाई भी नहीं किया है, काज भी नहीं बनाया और बटन भी नहीं बनाया है, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, दो तीन चीज़ करने हैं, तो उसकी वीडियो मैं जल्द ही डाल दूँगी कल परसों तक। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि तरपाई वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं इसकी पहले आप लोग की स्टिचिंग दिखा देती हूँ। तो ओके बाय। तो सबसे पहले मैंने आगे का पीस ले लिया है ब्लाउज़ के आगे का पीस, और आप लोग जानते हो दो पीस होता है, तो मैं पहले पीस में सिलाई कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है उस पे डाट लगा रही हूँ। चार डाट होते हैं एक ब्लाउज़ में, तो चारों में इस तरह से लगाना है। पहले आपको ज़्यादा कपड़े उठाने हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। इस तरह से देखिए पकड़ लेना है और इस तरह से सिलाई लगानी है आप लोग का। ये मैंने सिलाई लगा ली एक पीस में, तो आप लोग देख सकते हो अच्छे से लग गया है। तो इसी तरह से आपको दूसरे पीस में भी लगाना है। तो मैं इस पीस का पूरा नहीं दिखा रही हूँ, और आप लोग समझ गए होंगे एक पीस में। अगर नहीं समझे तो फिर वही पीस दोबारा देख लीजिएगा कि कैसे मैंने लगाया है। तो आप लोग को दोनों में दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों में लगा के तैयार कर लिया है, और अब इसके बाद मैं पीछे वाले पीस में लगाऊँगी। पीछे वाले पीस में आप लोग को पता ही है दो डाट होते हैं, ये देखिए निशान पे मैं पकड़ रही हूँ, और इस तरह से यहाँ इसमें भी मतलब डाट लगा लेना है आपको। इस तरह से इधर पकड़ के डाट लगा लेनी है, और इसके बाद अब आप जोड़ोगे कंधे। इस तरह से सबसे पहले पीछे वाला पीस मतलब अच्छे से सीधा रख लेना है, फिर उसके ऊपर से आगे वाला पीस रख लेना है, सीधे के ऊपर सीधा रखना है, और गले को जोड़ लेना है, कंधे को आप इस तरह से जोड़ लोगे। फिर अब दूसरा मैं पीस इसके साथ रख के सिलाई करने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और मैं इस पर डबल सिलाई कर लेती हूँ ताकि मज़बूत हो जाए, बाद में दिक्कत ना आए। ये मैंने सिलाई कर लिया है, और इसके बाद आपको को पट्टी लगानी है। देखिए मैंने दो पट्टी ली है, एक डेढ़ इंच की एक दो इंच की पट्टी, तो एक काज पट्टी है एक बटन पट्टी। तो सबसे पहले मैं बटन पट्टी लगा रही हूँ। तो बटन पट्टी आप सबसे पहले ब्लाउज़ को सीधा रख लेंगे, सीधे के नीचे से नीचे रखेंगे बटन पट्टी, और फिर सिलाई लगाएंगे इस तरह से एक पैर की दूरी पर। नीचे रखने के बाद देखिए सिलाई लगा लें, फिर उसको अब हटा लोगे आप, मतलब निकाल लोगे, निकाल के फिर उसके ऊपर फोल्ड करोगे, फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करना है इस तरह से। इसको बोलते हैं बटन पट्टी। और एक सिलाई और लगा लेना है एक पैर की दूरी पे। और अब हम लगाएंगे काज पट्टी, और जो फालतू कपड़ा है उसको आपको काट लेना है। ये देखिए इस तरह से लग गया एक काज पट्टी। अब हम लगा रहे हैं बटन पट्टी। तो आप जो नहीं काज पट्टी लगाएंगे, ये जो काज पट्टी है ये
ऊपर की तरफ रखा जाता है और जो बटन पट्टी है वो नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ रख के आपको सिलाई लगा लेनी है, फिर इसको बाद पलट के फिर एक बार इस पर सिलाई लगा लेनी है, अंदर फोल्ड करके नहीं सिर्फ पलट के, इस तरह से आप लोग देख ही रहे हैं, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर इसको अंदर फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पक्की सिलाई लगती है, ये कच्ची सिलाई नहीं है, यहाँ तोड़ना नहीं होता कुछ भी, तो ये काज पट्टी हो जाएगी तैयार। देखिए इस तरह से हो गए काज पट्टी तैयार। अब मैं लगा रही हूँ फिटिंग की निशान, इसके बाद आपको फिटिंग की निशान लगानी है। तो ये देखिए इधर 9.5 इंच है काज पट्टी की तरफ, और जो ये दूसरी डाट है पीछे वाली, फिर वहाँ दूसरा निशान लगेगा, वहाँ मैं लगाई हूँ 9 इंच पे और यहाँ लगाई हूँ 8 इंच पे। आप ये आप नाप के हिसाब से लगा सकते हो, मैं जिसके नाप है उसके नाप का लगा रही हूँ। तो यहाँ ऐसे एक दूसरे के साथ निशान को मिला लेना है, मिलाने के बाद फिर इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसको आप दूसरे की जब ब्लाउज़ सिलोगे या अपनी ब्लाउज़ सिलोगे तो उससे नाप लेना, और उसका भी नापने का वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी कि कैसे नापते हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा एक सिलाई थोड़ी सी हटके लगा रही हूँ ताकि बाद में खोलना ना हो। तो अब हम कर रहे हैं बटन पट्टी, तो ये हमारा 10 इंच है, और ये देखिए जो दूसरा डार्ट पड़ा है साइड में, यहाँ तीसरा निशान लगाते हैं और यहाँ मैं लगा रही हूँ 7, और इस तरह से मिला के फिर इस पर भी सिलाई लगा लेना है। थोड़ी दूर हटके सिलाई लगानी है ताकि बाद में खोलने की दिक्कत आए तो खोल सकते हो आप। इस तरह से अब हो गया, और अब हम फोल्ड करेंगे नीचे जो तरपाई होगी नीचे की तरफ। हमें ये काज का जो बटन है ये मतलब 8 इंच लेना है, पट्टी जो होती है 8 इंच, तो 8 इंच के बाद जितना कपड़ा बचता है उसे हमें फोल्ड कर देना है तरपाई के लिए। तो मैं 8 इंच का ले ली हूँ और इसके बाद अब फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए कपड़ा ज़्यादा बचा तो इसको मैं थोड़ा सा काट के निकाल दे रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। कई लोग जो ज़्यादा लंबा ब्लाउज़ पहनते हैं वो 8 इंच की लंबाई होती है उनका बटन पट्टी, और कई लोग छोटा ब्लाउज़ पहनते हैं तो 7 इंच की होती है, तो वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। और फिर ये दूसरी काज पट्टी बटन पट्टी के ऊपर रख के जितना उसका है उतना इसका भी रख के निशान लगा के इसको भी फोल्ड कर देना है। इसको भी मैं थोड़ा सा कटिंग कर ले रही हूँ, और इसको इसी में दबा देना है, दबा के सिलाई लगा लेना है। इस तरह से मैं एक कच्चा सिलाई लगा रही हूँ, बाद में तरपाई करनी है। ये लग गया, अब इसके बाद मैं जोड़ूंगी बाजू। ये देखिए बाजू कटी हुई है, और जहाँ मैंने कट लगाया है वहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और कच्ची सिलाई लगा लूँगी। तरपाई करने के बाद उसको तोड़ लेना है, इस तरह से सिलाई लगा लेना है बाजू में। अब ये दूसरे बाजू में मैं सिलाई लगा रही हूँ, दोनों को अलग करके उल्टा इसको फोल्ड कर लेना है और एक दूसरे से नाप लेना है, कहीं हमारा बाजू एक छोटा तो एक बड़ा तो नहीं है। तो ये देखिए मैंने नाप लिया, पूरा बराबर है, छोटा बड़ा कहीं से भी नहीं है। तो अब मैं इसको ब्लाउज़ के साथ नापूंगी, ये देख लीजिए यहाँ से और यहाँ तक इसको नापना है, खींच के नापनी है और फिर यहाँ पर निशान लगा लेना है। और आगे हमें रखना है 6 इंच बाजू, ये देखिए 6 इंच पे निशान लगा लेना है। लगाने के बाद इसमें इससे मिला देना है, फिर इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद इसे बाजू लगाएंगे। बाजू आप लगाओगे तो सबसे पहले इसे गले के रास्ते बाजू मतलब डालना है, तो फिर सिलाई करनी है। ये देखिए अब एक दूसरे को इस तरह से रख के हम सिलाई करेंगे, दोनों कपड़ा बराबर हो, बाजू का कपड़ा और जो दूसरा है कपड़ा दोनों बराबर हो, इस तरह से आपको सिलाई कर लेना है।
ये देखिए बाजू लगा लिया है हमने, और इसी तरह से आपको दूसरी भी बाजू लगानी है। ये देखिए इस तरह से बाजू लग गया है, अब दूसरी बाजू लगा लेना आप लोग। और अब देखिए मैं लगाने जा रही हूँ पाइपिंग गले में, तो पाइपिंग के लिए हमें पतले पतले कपड़े काटने होते हैं, तो जो कि आप इस तरह से काटोगे तिरछा कपड़ा काटना होता है, सीधा नहीं काटना होता। और ये देखिए इस तरह से मैंने दो परत में मैं काट रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। इस तरह से कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो ये थोड़ा सा कपड़ा बचा था इसमें से मैं काट रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसको जोड़ना है, एक कोना दूसरे कोने से मिला के इस तरह से एक दूसरे से जोड़ लेनी है। ये देखिए सीधा बन गया है, और एक तरफ आप इसे सीधा कटिंग कर लेना और इसे फोल्ड करके फिर आप ब्लाउज से इसे जोड़ेंगे और जोड़ के फिर बनाएंगे एक अच्छी सी पतली सी पाइपिंग। इस तरह से रख के ब्लाउज सीधे की तरह, याद रहे आप लोग को इसे सीधे की तरफ रखना है ना कि उल्टे की तरफ, सीधे के ऊपर रख के, और मतलब एक 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 पैर पे सिलाई लगानी है एक पैर की दूरी पे। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब जब ये लास्ट में हम आ रहे हैं तो इतना कपड़ा बच रहा है, जो कपड़ा बच रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा छोड़ के, फिर उसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, दो बार पक्का कर लेंगे चला के। अब लग गया, अब हम लगाएंगे इसकी पाइपिंग। ये देखिए पाइपिंग को जो कपड़ा है वो अंदर डाल के और पतली सी पाइपिंग बनाना है, इस तरह से फोल्ड करते जाना है अंदर की तरफ और सिलाई लगानी है। इसी तरह पूरे ब्लाउज़ में आपको लगाना है। फिर इसके बाद हो रही है ब्लाउज़ कंप्लीट, और हम इसको फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे, और जो भी कमी होगी आप बताना कि आप और किस तरह से मैं बताऊं और किस चीज़ की वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। ये देखिए ब्लाउज़ हो गया तैयार। इस तरह से सिंपल ब्लाउज़ तैयार होते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ मेहनत नहीं है, कुछ ज़्यादा सिलाई करने की वो नहीं है, बहुत ही सिंपली हो जाता है। इसमें बेल्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लें बाय।